आजकल हर लड़की को बालों के गिरने का बहुत ज़्यादा मसला है, जिसको देखो उसको हेयर फॉल का मसला है, बाल लंबे नहीं हो रहे, बाल जैसे ही कॉम करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे की वजह से हर लड़की और उसके साथ साथ लड़के भी परेशान हैं। और बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ का मसला है। अगर हम देखें तो इंडिया में ऐसे मसले बहुत ज़्यादा कम हैं। इंडिया में जो औरतें हैं वो क्या यूज़ करती हैं, आज मैं आपको इसी के रिलेटेड बताऊंगी कि क्या कुछ वो अपने डेली रूटीन में यूज़ करती हैं जिसकी वजह से उनके बाल लंबे, घने और चमकदार होते हैं। अगर आप भी इंडियन गर्ल्स के जैसे अपने बालों को लंबा करना चाहते हैं, घना करना चाहते हैं और चमकदार बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। घर में मौजूद चीज़ों के साथ अपने बालों को लंबा, घना और चमकदार बना सकते हैं। इंडियन कोई ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती, वो घर में मौजूद चीज़ों के साथ अपने बालों को लंबा करती हैं, जिससे उनके बाल ना सिर्फ लंबे होते हैं बल्कि चमकदार और घने भी होते हैं। तो आज की वीडियो को स्किप करने का सवाल तो बनता ही नहीं है। जिनको भी अपने बालों को लंबा, घना और चमकदार करना है वो आज की वीडियो को लास्ट में देखे। जैसे कि आपको पता है कि औरत लड़कियों का हुस्न ही बालों में होता है। अगर उनके बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, लंबे और घने हैं, चमकदार हैं, तो वो उनकी खूबसूरती का राज है। तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आपने अपने बालों को लंबा और घना और चमकदार कैसे बनाना है, इसलिए इस वीडियो को आपने फुल वॉच लाजमी करना है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर आज मैं आपको बताने वाली हूँ अपने बालों को लंबा, घना और चमकदार बनाने के लिए ज़बरदस्त टिप्स। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिए हैं अलसी के बीज, बहुत आसानी से आपको पंसौर की शॉप से मिल जाएंगे या फिर जहाँ से आप दालें वगैरह लेते हैं वहाँ से आपको मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, कोई ज़्यादा महंगे नहीं हैं और इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें पाई जाती हैं बालों को लंबा करने के लिए ना कि आपकी सोच है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल कर लें तो आप अपने बालों को लंबा, घना और चमकदार बना सकते हैं सिर्फ 15 दिन में। जी हाँ, ये मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ कि 15 दिन में आप जो है अपने बालों को लंबा, घना और चमकदार कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास मेथी दाना, जो कि अचार में यूज़ होता है। अगर लड़कियों को इस बारे में पता ही होगा, अगर नहीं पता तो अपनी अम्मियों से पूछ लें। मेथी दाने की इतनी ज़्यादा फ़ायदियत है कि आपने एक चम्मच मेथी दाना लेना है, उसको आपने ओवरनाइट पानी में भिगो कर रख देना है। आपने इसको पानी में भिगो कर रख दिया, अब इस पानी का जो कमाल है ना वो आपके लिए मैजिकल है। इतना पावरफुल ये इंग्रेडिएंट है आपके बालों को लंबा करने के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ 3 चीज़ों के साथ आज हमारी रेमेडी बनेगी। मैंने मेथी दाना और अलसी के जो बीज थे दोनों को मैंने थोड़े से पानी, उसी पानी में जिसमें हमारी जो अलसी में हमारा मेथी दाना था उसी में मैंने इनको बॉयल कर लिया है और तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए बॉयल किया है, ज़्यादा बॉयल नहीं किया। ये एक जेल फॉर्म में आपको मिल जाता है क्योंकि अलसी जो है वो एक जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हमारे पास इस तरह से सीरम बनकर आ जाएगा। अब इसमें जो तीसरा मेन इंग्रेडिएंट है वो भी घर की चीज़ है। आप लोग चावल तो खाते ही होंगे और चावल बॉईल करके खाना तो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर मेरे पास चावलों की बिश थी। जब हम चावल बॉईल करते हैं उसका जो पानी होता है उसको आप बिल्कुल भी मत फेंका करें, बल्कि उसको आप स्टोर कर लिया करें। यहाँ पर देखिए, इसको मैंने ओवरनाइट छोड़ दिया था और इसके ऊपर जो वाइट वाला पानी है इसको मैंने स्टेन कर लेना है और इसके नीचे जो बैठा हुआ पानी है वो मैं यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर इस वाले पानी को आपने क्या करना है, ये चावल की पिच है जिसको हम चावल जैसे बॉईल करते हैं ना, जब हम उसको स्टेन करते हैं तो वो वाला जो पानी है वो मैं यूज़ करूँगी। हाफ पानी मैं इसमें डाल लूँगी क्योंकि मैंने अपने बालों के हिसाब से लेना है और हाफ जो पानी है वो मैं फ्रिज में रख के स्टोर कर लूँगी। नेक्स्ट 2 डेज़ बाद मैं अगेन इस रेमेडी को यूज़ करूँगी। वीक में 2 बार आपने इस रेमेडी को यूज़ करनी है। 2 हफ्ते के इस्तेमाल से ही आपको खुद अंदाज़ा होगा, चाहे तो आप मेजरमेंट कर लीजिएगा अपने बालों की कि जब आपने इस को अप्लाई करना है उससे पहले आपने अपने बालों की मेजरमेंट कर लेनी है। 15 दिन बाद आप दोबारा से मेजरमेंट कर लीजिएगा, आपको इसके जो रिजल्ट्स मिलेंगे ना सुपर डुपर अमेजिंग होंगे। अब ये रेमेडी हमारी बिल्कुल तैयार है। इसको अप्लाई कैसे करना है, सिंपली आपने अपने बालों की रूट से लेकर लेंथ तक इसको अप्लाई कर देना है। थोड़ी सी देर के लिए मसाज करनी है, 2 घंटे के लिए, कम से कम 2 घंटे के लिए आपने इसको अपने बालों पर लगा रहने देना है और उसके बाद आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे ना वो देखने वाले होंगे, शॉकिंग रिजल्ट्स होंगे। आपके बाल सॉफ्टनेस जो आपको उसी टाइम फील होगी, आपके बाल चमकदार होंगे जो कि आपको उसी टाइम फील होंगे, और जहाँ तक लंबे होने का सवाल है ना वो 15 दिन बाद आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे कि मैंने
बोला है आपने मेयरमेंट कर लेनी है, अपने बालों को नाप लेना है कि कितने हैं, और 15 दिन बाद आप खुद रिजल्ट देख लेंगे। और यहाँ पर मैं ये बात पूरे चैलेंज के साथ कहती हूँ कि कमिट आपने तभी आगे करना है जब आप इस रेमेडी को यूज़ कर लें, बिना यूज़ किए आपने कमिट बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स हैं ना सुपर डुपर अमेजिंग है। इंडियंस गर्ल्स 90% गर्ल्स जो हैं वो इस रेमेडी को यूज़ करती हैं अपने घर में मौजूद चीज़ों के साथ, वो रेमेडीज़ बनाती हैं और उसको अपने बालों में यूज़ करती हैं, बजाय वो केमिकल्स के प्रोडक्ट्स बाज़ार से लाकर यूज़ नहीं करती। इस चीज़ को आपने हमेशा याद रखना है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, अगर आप लाइक कर देंगे तो हमें मोटिवेशन मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस रेमेडी को आप वीक में 2 बार यूज़ कर सकते हैं और 15 दिन बाद आपको इसके जो रिजल्ट्स मिलेंगे सुपर डुपर अमेजिंग होंगे। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि इफेक्ट ही इफेक्ट है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।